वेलकम बैक। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं नरेशन, और नरेशन में यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं, नरेशन में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। इसमें आज जो आपका क्लास है, हम लोग धीरे धीरे अब जो टेंस का नरेशन था हमने उसको धीरे समाप्त करा, कैसे किसका चेंज करते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं स्पेशल की तरफ। तो स्पेशल में क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बनाओगे जैसे वो चेंज हो जाता है, जैसे दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है। तो आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे दिस का दैट, दिस का दोज होता है, राइट। तो ध्यान इस बात देना कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसको कहते हैं हम आर भी, इसको कहते हैं आर एस, राइट। हमेशा मैं रिमाइंड कराता हूँ, और इसके लिए हमेशा पीछे वाला वीडियो आपको देखना चाहिए ताकि बेहतर समझ में आए। ये तुम्हारा पास्ट है, अब प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो नो चेंज, अगर ये पास्ट होगा तभी ना चेंज। अच्छी बात, यहाँ पे नॉर्मल चेंज करना आपको आ गया, लेकिन कुछ ऐसे ही इसमें वर्ड डाल देगा। जैसे मान लो एक वर्ड है दिस, अब यहाँ पे डाल दिया दिस, और या फिर दिस यहाँ डाल दिया, पहले समझा रहा हूँ समझो उसको। अगर दिस सब्जेक्ट में डाल दिया है तो हम रूल कहता है कि दिस को दैट करते हैं, और इन्वर्टेड को हटाएंगे दैट लगाएंगे, तो दिस का दैट यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो एक सेंटेंस में दो बार दैट नहीं होता, बस समझो। तो इसलिए जो पढ़ाऊंगा वो डबल रूल में पढ़ाऊंगा कि अगर दिस सब्जेक्ट में हो तो दैट में चेंज नहीं करेगा, अगर दिस कहीं और हो तो दैट चेंज करेगा। तो ये मैं आगे लिखवाऊंगा, फिलहाल आप हेडिंग बनाइए चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, हेडिंग बनाइए चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है बाबू। एक साइड में लिखो डायरेक्ट और एक साइड में लिखो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लिखो दिस, चेंज कर जाएगा किसमें, दिस दोज में। तो ऐसे मैं बोल बोल कर लिखवा दे रहा हूं, दिस चेंज इनटू दैट, दिस चेंज इनटू दोज। नाउ एन ओ डब्ल्यू, नाउ चेंज करेगा देन, टी एच ई एन, नाउ चेंज करेगा टी एच ई एन, देन देन नहीं लगाना, ठीक है ना। आगे लिख लो अगला वर्ड, हेयर, एच ई आर ई, एच ई आर ई, हेयर चेंज करेगा देयर में, हेयर चेंज करेगा देयर में। एस्टरडे, एस्टरडे लिख लो पहले, एस्टरडे, वाई एस टी आर डी ए वाई, एस्टरडे चेंज करेगा प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, पी आर ई वी आई ओ यू एस, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर, या द डे बिफोर में चेंज करेगा, द डे बिफोर। अगर मान लो एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहे तो क्या करोगे, प्रीवियस डे को फॉलो करना, ठीक है। अगला पॉइंट पे लिखो टुडे, टुडे चेंज करेगा दैट डे में, टुडे चेंज करेगा दैट डे में, और टू नाइट रहे तो दैट नाइट। ये नहीं कि सर ने नहीं लिखवाया तो गड़बड़ हो गया, टू नाइट का दैट नाइट। अगला वर्ड है टुमारो, टुमारो टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, टुमारो, टुमारो का चेंज होगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। अब अगर मान लो बाबू कि द फॉलोइंग डे और नेक्स्ट दोनों ऑप्शन दे दिया तो क्या लगाओगे, द नेक्स्ट डे, ये भी ध्यान रखना है। आगे लिखो द डे, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो चेंज करेगा टू डेज लेटर, टी डब्ल्यू ओ, टू डेज लेटर, टी डब्ल्यू ओ, टू डेज लेटर, एल ए टी आर,
ठीक है, अगला शब्द है टू डे लिखो द डे बिफोर स्टडी, अगला शब्द है द डे बिफोर स्टडी, द डे बिफोर स्टडी, द डे बिफोर स्टडी, चेंज करेगा टू डेज बिफोर द डे बिफोर स्टडे, चेंज करेगा टू डेज बिफोर। अगला वर्ड है लास्ट नाइट, इसे मान लो डायरेक्ट में लिखा रहे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लिख लो लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, डॉट डॉट कर दो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, डॉट डॉट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, डॉट डॉट कर दो, जितने शब्द आ जाए ये सब का सब चेंज हो जाएगा द प्रीवियस, तो द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस पी आर ई वी आई ओ यू एस, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, ठीक है बाबू। अगला पॉइंट नेक्स्ट डे, मान लो डायरेक्ट में नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, डॉट डॉट कर दो, नेक्स्ट डे, डॉट डॉट, तो चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, डी ए बाई द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग नाइट, फॉलोइंग मंथ, क्लियर। अगला पॉइंट इज एम आर, लिखो ना आगे इज एम आर, इज एम आर चेंज कर जाएगा वाज वेयर में, इज एम आर चेंज इन टू, सब पढ़ा चुका हूं। अगला पॉइंट लिखो वाज वेयर, बहुत बढ़िया, वाज वेयर चेंज इन टू हैड बीन, हैड बीन, वाज वेयर चेंज करेगा हैड बीन में, मे एम ए वाई मे, माइट मे का माइट, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, ठीक है बाबू, हो गया था मे का माइट, कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, नीचे लिखो शुड कुड वुड माइट, शुड कुड वुड माइट, शुड वुड कुड माइट, बराबर नो चेंज, शुड कुड वुड माइट बराबर नो चेंज, ये सब चेंज नहीं होगा। यहां तक समझ में आया बालक? अब लिखो एन ओ टी नोट, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन लिखो दिस, टी एच आई एस, दिस अब्लिक हेयर, एच ई आर ई, दिस अब्लिक हेयर, एच ई आर ई, दिस अब्लिक हेयर, यदि सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, दिस अब्लिक हेयर क्या काम कर रहा हो, सब्जेक्ट का, तो इनडायरेक्ट बनाने में वो चेंज नहीं होता। जैसे दिस का दैट पढ़ा था ना अभी जस्ट, यहाँ भी दैट लगेगा, यहाँ भी दैट लगेगा, तो दिस और हेयर अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। समझ में आया क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा राम सेड दिस इज अ पेन, अब तुमने राम सेड दैट कहा, फिर दैट कहा, तो राम सेड दैट, दैट नहीं ना, इसीलिए चेंज नहीं होता, ठीक है। तो दिस और हेयर सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होता। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, इसे आगे पढ़ने के लिए, इसे आगे पढ़ने के लिए, इसे आगे पढ़ने के लिए डीएसएल किताब, डीएसएल बुक्स, जो टाइम एंड टेंस का, वॉइस कंडीशन का है, डीएसएल बुक्स में पेज नंबर 20 से संपर्क कर सकते हैं, पेज नंबर 19 से, यानी डीएसएल बुक्स पेज नंबर 19, टेंस का बुक है बाबू, नरेशन का बुक से, तो पेज नंबर 19 से आपको डिटेल और पढ़ने की आवश्यकता है, अगर जरूरत पड़े तो, बाकी सब लिखवा दिया गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इसे आगे और पढ़ने के लिए डीएसएल नोट्स की सख्त आवश्यकता है।
क्लियर। अब सीधा हम लोगों को कहाँ चलना चाहिए, एग्जाम्पल के पास। लिखो 50, एग्जाम्पल लिखो, नो नो आइस, एग्जाम्पल लिखो फटाक से। लिखो पहला एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, I finished my work yesterday। लिख लिया बाबू। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमास, I am glad to be here this evening। तीसरा एग्जाम्पल, He said to me, comma inverted commas, I had to do it last night। अगर लिखो, He said, comma in red commas, I will finish my work tomorrow। एक और एग्जाम्पल लास्ट लिख लो बाबू, एग्जाम्पल लास्ट और लिख लो। लिखो, I said to my friend, I had to work hard। बना दो 2 मिनट के अंदर, एक एक का कॉपी चेक कर रहा हूँ अभी, फटाफट बनाओ। बस आते हैं हम लोग, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चे, He said I finished my work yesterday। तो आपने कहा He said that he had finished his work the previous day। तो yesterday को चेंज करा था प्रीवियस डे में। किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन, He said I am glad to be here this evening। तो आपने कहा हुआ He said that he was glad to be there that evening। इज ए मार्क चेंज किया वाज में, दिस चेंज किया दैट में, हेयर चेंज किया देयर में। अगला बोलो, He said to me, I had to do it last night। तो he told me that he had to do it the previous night। Next बोलो, He said I will finish my work tomorrow। तो he said that he would finish his work the next day। Next बोलो, I had to work hard। तो I told my friend that I had to work hard। किसको प्रॉब्लम है बच्चे, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हम लोग आज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।
और इस तरह से आप आगे पढ़िए और हमेशा बच्चों को आगे शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।